क्या आप अब भी इसी सोच में कि आपका नीट क्रैक होगा या नहीं होगा? अगर आप सिलेबस पढ़ चुके हैं लेकिन फिर भी आपके MCQ सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, या आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपने अभी तक स्टडी शुरू ही नहीं की है, डोंट वरी गाइस, वी आर हियर जस्ट फॉर यू। तो आज ही ज्वाइन करें हमारा नीट क्रैश कोर्स, जिसमें हम डिस्कस करेंगे की इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, माइंड मैप्स, डाउट एंड डिफिकल्टीज एंड पास्ट ईयर पेपर्स, विच विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठाणे मनपा के 27 स्वास्थ्य केंद्रों में से 20 स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयां ही नहीं, मनपा विपक्ष नेता अशरफ पठान ने किया भंडाफोड़। कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर पे आपका स्वागत है। गुरुवार 13 जनवरी को ठाणे मनपा के विपक्ष नेता शानू उर्फ अशरफ पठान ने ठाणे मनपा क्षेत्र में ठाणे, कलवा, मुमरा, कौसा, दीवा, इन सभी जगहों पर जो स्वास्थ्य केंद्र मनपा द्वारा चलाए जाते हैं, जिनकी संख्या है कुल 27, इन सभी का दौरा किया और यहां पर लोगों की शिकायत पर वो पहुंचे थे। लोगों का कहना था कि यहां पर आओ तो दवाइयां नहीं मिलती है, ज्यादातर जो है मरीजों को यहां पर स्वास्थ्य केंद्रों से दवाइयां न मिलने की शिकायतें उन्हें मिल रही थी, जिसके चलते उन्होंने दौरा किया। 27 केंद्रों में से 20 केंद्रों पर दवाइयां ही नहीं थी, यानी स्वास्थ्य केंद्र जो बने हुए, हेल्थ सेंटर जो बने हुए, वो बगैर दवाओं के चल रहे। ठाणे मनपा जिसका करोड़ों का बजट है, कोरोना के नाम पर जिसने अब तक कई सौ या हजार करोड़ जो है वो पानी कर दिए हैं, मगर आम बीमारियों के लिए, ठाणेकरों के लिए ठाणे मनपा के पास पैसा नहीं है, तो ये करोड़ों रुपया कहाँ जा रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है, ये सवाल भी खड़ा किया है मनपा के विपक्ष नेता अशरफ पठान ने। किस तरीके से उन्होंने स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा किया, उस दौरान के क्या हालात थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, देखिए। इस मुख्य जो इमरजेंसी डिमांड है उसके कारण जरूर कमिश्नर साहब से प्रश्न पूछना चाहिए, और मैं आपको कल कह रहा हूँ ये काम ठाणे महानगर पालिका के प्रशासन का है। प्रशासन अपनी भूमिका सही से निभाए तो नागरिक कभी परेशान नहीं रहे, और ये सोच लेंगे कि मैं प्रशासन की आवाज़ उठाना बंद कर दूंगा, ऐसा असंभव है। मेरा कर्तव्य है जहाँ जहाँ ठाणे महानगर पालिका नागरिकों को परेशान करेगा, ठाणेकर को परेशान करेगा, वहाँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग डॉक्टर जितेंद्र आवाज जी और आनंद पराशर के मार्गदर्शन में उन जगहों पर जाएंगे, निवारण करेंगे और अपना हक सभागृह से लेके, रास्ते से लेके, आंदोलन के जरिए पे ठाणेकरों का हक लेके ही रहे। सामने ही आपके सामने अपना दवाखाना है, वो अपना दवाखाना देख लीजिए कैसा बन पड़ा, आपको दो मिनट में दिखा। तो मेरा सीधा सीधा सवाल है कि जब नागरिकों को हम मुख्य मेन जो उनका अधिकार है वो ही नहीं दे पा रहे, तो ठाणे महानगर पालिका की परिस्थिति के ऊपर आज प्रश्न चिन्ह उपद्ध होता है, और उसका कारण है, एक ही में कारण है, प्रशासन। प्रशासन के ऊपर अब हमारी जो बोलते ना लगाम वो नहीं रही है। कहीं कहीं प्रशासन अपने ऐसी कैबिनों में मस्त है। मैं ये मानता हूँ कि कई अधिकारी अपने काम करने के कारण कोविड पॉजिटिव है, लेकिन आज हमें ये सोचना पड़ेगा कि आरोग्य जैसे विभाग को अगर हम इस कोविड कार्यकाल में दवाएं नहीं देंगे, नॉट इन स्टॉक कहेंगे, तो फिर हम मूल सुविधा के ऊपर क्या प्रश्न करेंगे, मुझे इसके ऊपर कोई जवाब नहीं। अरे आपले नागरिक बोलतात आम्हाला औषध मिळते, म्हणजे काय फायदा आहे? आम्हाला असं वाटतं की काय परिस्थिती आहे, आरोग्य करोड़ रुपये औषधासाठी देतात आणि एक तरफ नागरिक बोलतात आम्हाला औषध मिळत नाही, तो म्हणजे खरं परिस्थिती काय? अरे तुम्ही बोलता आम्ही डिमांड करतो, आणि हे प्रॉब्लेम मॅडम दिवा प्रभाग समिती अंतर्गत पण आरोग्याला 27 मध्ये कमीत कमी 19 आरोग्य केंद्र ना हे डिमांड